आज रात हमें यहीं रुकना चाहिए, सुबह निकलना चाहिए। देखिए ना कितना अंधेरा हो गया है, देखिए। ज्यादा दूर नहीं है, बस 160 किलोमीटर ही तो दूर है, पहुंच जाएंगे। अभी जल्दी जाने की क्या जरूरत है जी, सब लोग शादी के मंडप में हैं और हम लोग जल्दी निकल गए। मुझे सुबह 6 बजे ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। पता नहीं, मुझे रोड देख के बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ जी? पता नहीं, रुको देखता हूँ। टायर पंचर हो गया है, स्टेपनी भी नहीं है। अब क्या करें जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वहां पर एक घर दिखाई दे रहा है। हाँ, आज रात वहां रुककर सुबह हम चले जाएंगे। हाँ ठीक है, चलिए। देखते हैं उस घर में कोई है या नहीं। आखिर यहां घर किसने बनाया? करती है, ये कुत्ते आवाज कर रहे हैं क्या? हाँ जी, कुत्ते की ही आवाज है। छोड़ो, दोनों भी होंगे वहाँ। चलो चलते हैं अंदर। अरे माँ, नहीं दे रहा है। अंदर चलकर देखेंगे। हाँ, चलिए। हेलो, अंदर कोई है क्या? इस घर में कोई है या नहीं? अरे लाइट भी चली गई। भगवान, अब टॉर्च है क्या? मैं देखती हूँ। उस तरफ देखो। हाँ। कोई भी नहीं दिख रहा है जी, बहुत बंगला लग रहा है। ये कैसी आवाज आ रही है जी? अरे बाप रे, ये क्या है जी? बेकार में ही डर रही हो, हवा की वजह से झूला हिल रहा है। देखा, अब बंद हो गया ना। हर छोटी छोटी बात पर डरती रहती है। डरपोक की। Thank you.
जी। सुनिए जी, कंटिन्यू फोन कर रहे हैं, लगता है मुझे डांट सुननी पड़ेगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार तू उसको फोन करना। अरे मैं कितनी बार फोन करूं, वो फोन नहीं उठा रहा है। वो बाइक चला रहा होगा यार। हाँ तुम सब जानती हो, बाइक चला रहा है, सो रहा है। अरे तुम टेंशन मत लो यार, वो जरूर आएंगे। बॉस को कुछ ना कुछ कहकर हम मैनेज कर लेंगे। क्या बोलेंगे? सच कहो, हमारा प्रोग्राम देखे बॉस शॉक हो जाएंगे। मेरा प्रोग्राम है, आई एम द डायरेक्टर, तुम एंकर हो, एंकर ही रहो, समझे? राहुल कूल। अच्छा आ गया। चिल यार चिल, तुम्हारे लिए हम कल तक वेट करेंगे। एक तो लेट से आते, ऊपर से फोन नहीं उठाते हो। बॉस हो क्या मेरे? लेट क्यों हुआ? मैं बाइक चला रहा था, नहीं देखा क्या हो गया। ठीक है चलो चलो। हेलो हेलो रुको रुको, मेरी वीडियो बॉस को 100% पसंद आएगा। जितना भी मुझे पैसे मिलेंगे, मतलब मुझे नहीं पता कितने मिलेंगे, उसमें से 50% मेरा, 50% में से तुम सबका। क्या क्या है क्या है? आई एम द डायरेक्टर, दिस इज माई वीडियो, आई एम द प्लानर, तुम भाड़ में जाओ। 50% मेरा है, बाकी 50% तुम सबका। ओके ठीक है, तुम और तुम्हारी चालाकी, चलो चलो चलो। मेरी स्पेशल हीरो जैसी एंट्री होगी। या या मैं ही कमिंग सर। आ जाओ हे चलो। नमस्ते सर। ये क्या 3 दिन हो गए आने में? प्रोग्राम सेट करके आने को बोला था, क्या किया तुम लोगों ने? करके आए हैं सर। हे जल्दी दिखा। ये लीजिए, इस प्रोग्राम से हमारे चैनल की रेटिंग बढ़ेगी, नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे हम। क्या बोलता है? 100% बढ़ेगी सर। ओके, उससे ज्यादा बढ़ेगी। शो मी। ये देखिए, पहले इस तेल को लेकर इस तरह से कढ़ाई में डालना चाहिए। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें कटी हुई ये सारे डालेंगे, फिर उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ओके, धीमी आंच पर। बिरयानी तैयार। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये प्रोग्राम किस महान आदमी ने बनाया है? साइड हटो। सॉरी। मैंने सर, मैंने बनाया है सर, अकेले ही बनाया है। कैप्टन ऑफ द शिप, बाबू ब्लैक शिप। मैं जानता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। आप जो भी देना हो, मतलब जो भी देना चाहते हैं, मुझे दीजिएगा सर। इन लोगों ने भी मेहनत की है, इनका हिस्सा भी मुझे दीजिएगा सर। दीजिए ना सर, प्रमोशन दीजिए ना, दीजिए ना। इडियट कहीं का, प्रमोशन चाहिए? ये क्या प्रोग्राम बनाया तुमने, घटिया है। बिरयानी, वो भी हिजड़ों के साथ में? सारे हिजड़ों को कास्ट किया है तुमने। बिरयानी को तो मारो गोली, लेकिन ये बिरयानी का हिजड़ों का कॉम्बिनेशन हम टीवी पे कैसे दिखाएंगे बता दो मुझे। ये प्रोग्राम हम अपने चैनल पे कैसे दिखा सकते हैं? अब एक काम करो, पूड़ी कैसे बनाते हैं भी दिखा दो चैनल पे। चलो बनाते हैं। पूड़ी बनाना भी सिखाओगे? शक्ल देखिए अपनी। प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसका टाइटल ही अट्रैक्टिव हो। क्या प्रोग्राम है, कमाल है, लोग ये बोले तो बेटर है। तुम तो मुझे पागल लगते हो। टाइटल मैं बताता हूँ, छम्मक छल्लो की खिचड़ी। कैसा है? वाह वाह सर, एकदम सुपर है। देखा इसका एंजाइटी, टाइटल में मजा आ जाना चाहिए। क्या नाम कहा था सर? छम्मक छल्लो की खिचड़ी। सर, वो भी छक्कों को लेके प्लान किया है क्या? तुम अभी तक छक्कों में ही अटके हुए हो। लगता है छक्कों के साथ तुम्हारा बहुत गहरा नाता है। हर प्रोग्राम में उसको घुसड़ देते हो। जिसने तुमको रेकमेंड किया ना, उसको बुला करके ना 4 बात वैशु को सुनाऊं। वैशु को मत बताओ। कम या सर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ।
मैंने तुम्हें गलती से काम दे दिया, लेकिन तुम इन सबको मेरे चैनल में घुसेड़ दिया। ये सब मेरे सिर पे खड़ा होकर के मुझे लात मार रहे हैं। देखो बेटा, हमारे चैनल को नंबर वन पे पहुंचाना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए था, इससे मुझे बड़ी खुशी होती। लेकिन इन चंडाल चौकड़ी को मेरे चैनल में घुसेड़ के मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, नाराज हूँ। सर सॉरी सर, सिर्फ एक बार आप इन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं इन सबको माफ कर देता हूँ, लेकिन आगे से ऐसा घटिया प्रोग्राम मत लाना, जैसे बिरयानी बनाना, पूरी भाजी बनाना, उपमा बनाना। इस तरह का प्रोग्राम अगर बनाया तो पिछवाड़े क्लोज शॉट में लात मारूंगा, लॉन्ग में जाके गिरोगे। नेक्स्ट प्रोग्राम अगर सक्सेस नहीं हुआ तो समझ लेना तुम लोगों का लास्ट प्रोग्राम होगा। गेट आउट, टेक इट। ए सर रुको। हाँ, ये सब क्या है देव? अब मैं क्या करूँ, ये सारा फालतू आइडिया इसी का है। हेलो, फालतू आइडिया नहीं, फालतू बॉस है। एक तो मैंने इतनी अच्छी सी वीडियो बनाई, ऊपर से मेरी वीडियो रिजेक्ट कर दी। इसे समझाओ ना वैशू। ए क्या है ये सब? बचपन से हम लोग साथ में बड़े हुए, हम सब यहाँ एक साथ रहेंगे ये सोच के मैंने जॉब दिलवाया, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग ढंग से कोई भी काम नहीं कर सकते हो, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम। हर रोज मुझे बॉस से कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है, बेवजह मुझे बॉस से डांट सुननी पड़ती है। वैशू तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। तुम सर उठा के रहोगी बॉस के सामने, हाँ याद रखना, उस बुड्ढे को मैं सबक सिखा के रहूंगा। क्या? अरे कहाँ जा रहा है? समझता क्या अपने आपको? मैं बचपन से तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी बताने वाली हूँ। तुम मेरे बारे में भी कुछ सोचो देवा। सॉरी वैशू। तुम्हें उसने डांटा क्या वैशू? तुम बिल्कुल दुखी मत हो, मैं उसे समझाऊंगा। आइस ले गया? आइस है ही कहाँ, सब तो खत्म हो गया। आइस नहीं है? जा पागल आइस लेके आ। ए दोस्त ये देखिए मुझे डांट रहा है। हिम्मत हो गई है। आए आइस डाले तो अच्छा लगता है। तुमने देखा ना उसने वैशु को कैसे डांटा? मुझे नहीं डांटा, मैं उसे मार डालूंगा। पहले तो इसे डांटना चाहिए, इसी की वजह से सब। नहीं, 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 वो बात नहीं है, मैं फुल बॉटल लेने को कहा था। गलत नहीं है दोस्त, अगर हमें डांटा होता तो कोई बात नहीं, हम सह लेते, पर हमारी वजह से उसने मेरी वैशु को डांटा। तुम्हें पता नहीं उसकी वजह से मेरी वैशु कितनी दुखी हो गई। मालूम है उसकी वजह से मेरी वैशु कितनी दुखी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा मन करता उसे थप्पड़ मारूं। वो बहुत घटिया इंसान है। सुनो दोस्त, मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा है, उसे मार दे क्या? सही कहा, सही कहा, हमें उसे मार देना चाहिए। आज ही मारेंगे, क्योंकि कल दारू पीने के पैसे नहीं है तो हिम्मत भी नहीं आएगी। आज ही चलते हैं। यहाँ पूरी बॉटल खत्म हो गई है, थोड़ा और लेके आना। दोस्त ये सब इसी की वजह से हुआ। छोड़ेंगे नहीं तुझे, मारेंगे। चलो अभी मारेंगे, चलो यार आराम से। अपू आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ लगता है यही है उसका घर। छोड़ेंगे नहीं उसे। आइए छोड़ दोगे? चलो अपू इधर क्या अपू ये क्या लफड़ा कर रहे हो तुम लोग? छोड़ेंगे। दारू गटका क्या है, यहाँ क्यों आए हो? हमसे पूछ रहा हम क्यों आया, हमसे पूछ रहा क्यों आया, हमें क्यों आए? हमको आइस चाहिए। आइस नहीं, वैशु क्यों डाटा तूने? गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। हाँ मैं वैशु की बात कर रहा हूँ और तू मेरे सामने रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, तो तूने मेरी वैशु को क्यों डाटा? बता मत मारो बाबू, मेरी हड्डियाँ टूट गई तो अब नहीं जुड़ेगी इस उम्र में। छोड़ दो। तो तूने मेरे सामने, मेरे फ्रेंडों के सामने मेरी वैशु को क्यों डांटा? मैं तुम लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा। अरे बाप रे, क्या कहा, एनडीटीवी की नौकरी है? सब दारू पी के पागल हो गए लगता है।
ये देखना। अबे सुन, तो मुझे क्या नौकरी से निकालेगा, मैं खुद रिजाइन देता हूँ, जा। अरे ये क्या है, तो सादा पेपर है, रेजिग्नेशन कहाँ है? आहा। वो भी हम लिखते हैं। अभी मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाएगा, पुलिस को बुलाएगा, बुला पुलिस को, बुला पुलिस को, मैं भी देखता हूँ। पुलिस को बुलाएगा। अच्छा तो इसकी वीडियो की वजह से इसने वैशु को डांटा, तो इसका मतलब हमें इसकी पिक्चर बनानी पड़ेगी, क्यों? अरे अगर आज ही मार दिया तो इस महीने की सैलरी कौन देगा भाई? बराबर बोल रहा, सैलरी कौन देगा? चलो चलते हैं। ये सरदार जी कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। कौन से ऑफिस? कौन से ऑफिस क्या? हमारी ऑफिस। हमारी ऑफिस? रात को उसको पीटा और उसके ऑफिस जा रहे हो? हाँ तो क्या हुआ? अरे वो अभी भी मेरी वैशु को क्लास देगा यार। वैशु का सिर्फ क्लास ही लेगा, लेकिन हम जाएंगे तो झुका के चलेगा क्या? ये बात वैशु को पता चलने से पहले हम उसके पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे यार, सब सही हो जाएगा। जाओ जाओ तुम लोग माफी मांगने के लिए। चल जल्दी आ। अरे बाप रे, अरे मारे, ये क्या कर रहा है? छोला तोड़ दिया रे, अरे बाप रे। कोई भी इधर बताना, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो यहाँ से, बोलता हूँ। सर हमें कल रात के लिए माफ कर दीजिए, सॉरी सर। हट रहे, यू आर कॉलिंग मी सॉरी सर, यू आर कॉलिंग मी सॉरी। लोगों ने रात को काफी शराब पी ली थी सर, इसीलिए। मुझे गुस्सा मत दिलाना, पुलिस को बुला कर तुम सबको मैं अंदर करवा दूंगा। सर सॉरी सर, सर सर, सर वो वीडियो इसने बनाया था, इसी वजह से हुआ है। सॉरी सर, ये सब मेरी गलती है सर। दूर रह, दूर रह, दूर रह, दूर रह, दूर रह। सब तेरी गलती है। मैं तुम लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता। वैसु को बुलाओ, वैसु तू जल्दी से अंदर आ जा बेटा। क्या हुआ सर? क्या बात है सर? इनसे पूछो क्या हुआ देवा, बताओ। रात को एक एक्सीडेंट हो गया था। देखो बेटा, एक्सीडेंटली नहीं, ये लोग फुल टाइट होकर के रात को मेरे घर पे आके मुझे मारा, इसलिए मैं तुम लोगों को नौकरी से निकालता हूँ, अभी निकालता हूँ। सर सर प्लीज सर, इस बार इन्हें माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर। वैशु तुम पर मेहरबानी करके मैंने इन लोगों को नौकरी पर रखा, इन लोगों ने बकवास प्रोग्राम बनाया फिर भी मैंने माफ किया, लेकिन अब इन लोगों ने मुझे मारा। ओनर को अगर कोई स्टाफ मारे तो तुम माफ कर सकती हो, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा इन लोगों को। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम लोग यहाँ से अभी के अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस नाउ। झोला तोड़ दिया रे, अब मिल गई तुझे शांति, निकल रहा है। दोबारा मत दिखना। तुम लोगों ने बॉस को क्यों मारा? हम तुम लोग को बताने वाले थे, लेकिन तुम लोग पहले ही सो गए। अगर तुम लोग रूम में सो रहे थे तो वहाँ कैसे चले गए? तो सोना ही चाहते थे, दारू हमको मार ले गई। लेकिन जब हम लोग पी रहे थे तो इसने बॉस का मैटर छेड़ा। वो क्यों? क्योंकि वो वैशु के ऊपर चिल्लाया था, इसलिए ये गुस्सा हो गया, तब उसे मारने का प्लान किया। हम लोग नशे में थे, इसीलिए जाके उसको धो डाला। वैशु सॉरी वैशु, तुम परेशान मत हो। मैं परेशान बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग जाते वक्त हमें साथ क्यों नहीं निकल गए? कोई बात नहीं, आज जाकर मार देंगे। ठीक है फिर। वो बुड्ढा अब नहीं बचेगा, इस बार मारेंगे तो सच में मर जाएगा। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टाइम कब जाएंगे हम लोग? नेक्स्ट टाइम कहाँ जाएंगे? हमें जॉब देने वाला कौन है और कहाँ पे है वो? कहीं और क्यों जाएंगे, उनके पास ही जाएंगे जॉब मांगने। क्या कहा उसके पास? वो हमें काम देगा क्या? उनके अलावा हम सबको एक साथ काम कोई भी नहीं देने वाला। अरे वो तो हमें आने से मना कर दिया। वो अगर मना करेंगे तो हम लोग चुप रहेंगे क्या? मेरे पास एक प्लान है, कल हम सब लोग जाएंगे वहाँ। हाँ ठीक है।
पहले खाना खाते फिर चलेंगे। खाने का सोने का और क्या काम है बेवकूफ लड़की, जब देखो तब सोती रहती है। रात को दारू पी करके इन सब ने मुझे दबा दबा के मारा था। सर नहीं सर, सर हमने जो कुछ भी किया वो शराब के नशे में किया, इसके लिए हम काफी शर्मिंदा है, हमें माफ कर दीजिए सर। सर इससे पहले हम लोगों ने कई बार शराब पी थी सर, लेकिन शॉप में नया ब्रांड आया था इसीलिए हमने उसे चेक करने के लिए पिया था सर, और हमें ज्यादा चढ़ गई सर। सर हमने आपको मारा इसलिए शर्मिंदा नहीं है, बल्कि हमने एक महान इंसान को मारा इसलिए हम काफी शर्मिंदा हैं सर, हमें माफ कर दीजिए प्लीज सर, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे सर। कुछ भी हो तुम लोगों के लिए मेरे ऑफिस में अब कोई जगह नहीं है, निकलो नहीं तो पुलिस को बुला करके तुम सबको अंदर करवा दूंगा मैं। सर, कल इन लोगों ने जो आपको मारा था उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है सर। हाँ सर सही, सर जब से मैंने आपको मारा है तब से रो रो के मेरे आँख से काला पानी गिर रहा है। काला पानी कैसे निकलता है, नाटक करता है? नहीं सर आंसू निकल रहा है। चुप रहे चुप रहे। निकल यहाँ से वरना सर फोड़ दूंगा पागल। तब जाके तुम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। कमान ओके सर, कोई ना बात राइट सर। आपसे एक और रिक्वेस्ट है सर। बोलो सर, इस बार ये कैप्टन नहीं रहेगा बल्कि राइशु कैप्टन रहेगा। हां ये नहीं राइशु रहेगी, ठीक है। थैंक यू सर, और इस पागल को संभालो। हां जाओ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हां अरे सर प्लीज, अब अगर चिपचिप जाहिर की औलाद तेरी तो मैं, अरे चल चल यार, जब देखो हीरोइन समझ के चिपकता रहता है मेरे से पागल कहीं का। चलो चल लेंगे हम लोग, चल ना यार पागल कहीं का। ये घर है, रुको यहीं पे रुको। हे यही है ना? चलो सर। हाँ घर बहुत अच्छा है, लो एंगल से घर पूरा कवर करना, ठीक है? बहुत अच्छा है ना? हाँ तुम्हें दिख रहा है क्या? पहले तुम आंखों से चश्मा उतारो। बहुत ही प्यारा है। बॉस ने कहा था यहाँ वॉचमैन है पर यहाँ तो कोई नहीं। कोई बात नहीं यार, हमारा बॉस पागल है सोचा, लेकिन हमें एक बंगले में भेज दिया स्टोरी कवर करने के लिए। घर बहुत ही सुंदर है ना? इसे साफ करके सुंदर दिखने के लिए 10 दिन लगेंगे। ओ ये बंगला तो देखने में बहुत अच्छा है। कूद के अंदर जाना, कूद के बाहर आना। रुको रुको, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मेरी बात मानो, अंदर मत जाना, मुसीबत में फंस जाओगे अगर अंदर गए तो। क्यों चाचा आप जाओगे? मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही क्या? अंदर गए तो बहुत खतरे में फंस जाओगे, जाओ यहाँ से, खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। अंदर तुम्हारी बीवी है क्या? अंदर जो भूतनी है उससे ज्यादा खतरनाक है हमारी ये भूतनी, बात करता है। अंदर जो भी होगा हम देख लेंगे, ठीक है? तुम चुप रहो, मेरी बात मानो, यहाँ खतरा है, तुम लोग जितना जल्दी हो सके वापस चले जाओ यहाँ से। खतरनाक? अरे उस भूतनी से ज्यादा खतरनाक हमारा बॉस है, तुम्हें पता है क्या? जा अपना काम कर, जा चल यहाँ से, जाओ, से जाओ, वरना तुम लोगों को भगवान ही बचाएगा। चले जाओ, मैं कहता हूँ चले। अरे जाओ सच तो नहीं बोल रहा था। अरे वो कब्जा करने वाले गैंग के लोग हैं, उन पे ध्यान मत दो, जो इस काम के लिए आए हो अपना काम करो चुपचाप, ठीक है ना? ऐसे बहुत पागल है जो डराएंगे, भूत है खतरा है, उस पे ध्यान नहीं देना तुम लोग, थोड़ा अपना दिमाग तो लगाओ। अरे ये गेट? हाँ यही गेट है, चलो अंदर। चलो भाई। ये रखो वो फेंको। ये पागल तुम गेम खेलो, पत्ते फेंको। बिल्कुल अपनी शक्ल की तरह पत्ता फेंकिए। जरा इधर आना। जी साहब। hey, वो काम कर रहा है तो उसे डिस्टर्ब करना जरूरी है क्या? चुपचाप से पत्ते खेलो। अरे एंटरटेनमेंट यार, अब देखना मैं इसके कैसे मजे लेता हूँ। तुम सिर्फ यही काम करते हो या और भी कुछ करते हो? गांव में खेती बाड़ी का काम करता हूँ साहब जी। देखो बिल्कुल मन लगा कर काम करना वरना फिर अच्छा नहीं होगा। चलो जाओ। ठीक है साहब। किसी पेंट करने वाले को जानते हो? नहीं जानता हूँ साहब। अच्छा तो फिर ये काम कौन करेगा? हाँ इस काम के लिए मैं फॉरन से किसी आदमी को बुलाऊँ क्या? बेवकूफ कहीं का। हेलो ओवर एक्टिंग बंद करो और पत्ते फेंको। अरे तुम चुप रहो, अपना गेम खेलो। ए तू जारी रख,
सुनो, घर जाके अच्छे से पेंट करना सीखो, उसके बाद यहाँ पर आकर कर देना। हाँ। प्रैक्टिस करना, अच्छे से करना। कैसा लगा मेरा कमाल? हेलो हेलो, सुनो, ये तुम्हारे पॉकेट में क्या है? पेपरमिंट है साहब। अच्छा, पेपरमिंट है? लाओ। अरे, ये कोई फॉरेन का चॉकलेट है क्या? टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ। ये बाथरूम साफ करने वाली गोली है साहब, थैली में था, सोचा था घर जाके निकाल लूंगा। ले ले और फॉरेन का चॉकलेट का ले ले। इसके साथ यही होना चाहिए था। सारा मूड खराब हो गया। अरे कहाँ जा रहा है? डेंडे ना ना डेंडे ना डेंडे ना डेंडे। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये उसे एंटरटेनमेंट करना चाहा, लेकिन उसने इसे एंटरटेनमेंट कर लिया। जी, ऐसी बात नहीं है। हमने उस रात अप्पू को कुत्ते की तरह खूब मारा, फिर भी उसने हमें नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि उसने हमें जॉब दिया और हमें यहाँ लॉन्ग टूर पर मजे करने के लिए भेज दिया। अरे सब लोग यहाँ पर बैठकर मजे कर रहे हैं, और तुम क्यों इतनी दूर हो? ए पागल, मैं यहाँ तुम्हारे पास में बैठी हूँ। तो फिर वहाँ कौन था? तुम्हारी दादी। ए, तुझे चढ़ गई है क्या? या फिर गोली का नशा अभी तक उतरा नहीं? नहीं, मेरी आंखें बहुत अच्छी है, मुझे धोखा नहीं हो सकता। ये धोखा नहीं है, बल्कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। ठीक है ठीक है, चलो अब सो जाते हैं। अबे, अभी 1 बज रहा है, देख रहे हो ना ये वक्त किसका रहता है। चलो सोते हैं। चलो शांति, आज तुम मेरे साथ सोगी क्या? मैं कुछ करूंगा नहीं, टेंशन मत ले, लेकिन तुम मेरे साथ चिपक के सोना। चिपक के? चल ये साथ सो, चल चल। गुड नाइट। और ये तो फिर ये लेफ्ट है, ये राइट है, और मेरे दिल को क्या हो गया? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कोई तो। अरे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अपना गांव अच्छा है। तुम यहाँ कैसे? तुम डायरेक्ट बाथरूम के अंदर बिना नॉक किए क्यों गए? ए, तुमने शैम्पू नहीं किया? अभी थोड़ी देर पहले तुम ही थी ना वहाँ। मैंने इन्हें बताया, इन्हें मेरी बात में भरोसा ही नहीं था। तुम उनको जाके बोलोगे ना मैं सही था? हाँ बोलोगे ना? लेकिन उससे पहले सैनिटाइजर लगाना पड़ेगा। ये सैनिटाइजर, ये लो, तुम दारू नहीं पीते ना, इसलिए ये लगाओ, इससे सब ठीक हो जाएगा, सब साफ हो जाता है। हाँ ओके। चलो अब चलते हैं। अभी उठी तो अच्छा नहीं होगा, तुम ऐसे ही सोई रहो, अच्छा लग रहा है। अरे यार उठना। अरे अरे यार, वहाँ पर भूत है। क्या बोल रहा है? उसने मुझे बहुत जोर से मारा, ये देख बहुत मारा। चिल यार चिल, मुझे भी पीने नहीं दिए और खुद पी के बोलते हो भूत नहीं है। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? पहले ही से मेरा दिमाग खराब है, तो जाके सो जा। मेरी बात पर भरोसा कर रहा है यार, प्लीज मैं सच कह रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया। वो गीता मुझसे नाराज होकर तेरी पिटाई कर दी। जा तू एक पैगाम लगा के सो जा। ऐसा नहीं है यार, मुझे सच में भूतनी ने पीटा है। ए कंफ्यूज मत हो रे, अभी तक तू गीता को देखकर भूतनी बोल रहा है, और अभी भूतनी को देखकर तू गीता बोल रहा है। क्लियर? गीता ही भूतनी, भूतनी ही गीता, उसने तुझे पीटा है। अरे वो भूतनी ही थी यार। हाँ रे, गीता ही भूतनी है, गीता भूतनी। अरे तू ये गाना गाना बंद कर मेरे बाप, पहले वहाँ पर चल के देख तो एक बार। मैं सच कह रहा हूँ यार, वहाँ पर एक भूतनी है और उसने मुझे पीटा है, चलना। अच्छा एक बात बता, अगर वहाँ भूतनी की जगह गीता रही तो मैं तेरे को बहुत पीटूंगा। पहले तू चल मेरे साथ, आजा जल्दी चल। चल किधर है? यही देखा, पता नहीं कहाँ चली गई। ओहो, अब मुझे समझ में आया, भूतनी को जोर से लगी होगी और वो आके करके चली गई होगी, है ना? पता नहीं, मैंने वो करते हुए उसे नहीं देखा। अब दोबारा मेरे पास आके ना। आ, 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 आ,
भूत है, भूतनी है, ऐसा कहा तो तुझे जान से मार डालूंगा पागल कहीं का, समझ गया? अब जाके सो जा। भूतनी से ज्यादा तो तेरी शक्ल देख के डर लग रहा है। फालतू मेरी नींद खराब कर दिया। शांति तुम यहाँ हो? अरे तो दीवार है। तुम यही हो गया? अगर नहीं हो तो पेशाब कर लूं? कहां चली गई वो? अरे बाप रे, हद है, मेरे तो हालत ही खराब हो गई। तुम्हें किसी ने मारा है क्या? सही कहा, इस घर में एक भूतनी है, उसने कल रात को मुझे पीटा है। उस पागल को बताया तो उसे भरोसा ही नहीं हो रहा है। बहुत हुआ, चुप हो जा। तुम्हारी शक्ल खुद भूत जैसी है, आईने में देख के तुम खुद ही डर गए होगे। वो बात नहीं मेरे है, लेकिन होते हुए इस घर में दूसरी भूतनी कैसे आ सकती है? अरे मैं भी यही कहता हूँ गीता, गीता ही भूतनी है, भूतनी है गीता है, उसने मुझे मारा है। आजकल कोरोना वायरस आया है ना, हम हाथ पैर तो साफ करते हैं लेकिन मुंह, इसलिए इसमें डेटॉल, फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर मिक्स किया है। अरे थोड़ा और का। गीता मुंह खोलो। छी। शांति मैं खुद ही पी लेता हूँ। शांति तुम्हारी नाक सुपर, तुम्हारे गाल बहुत अच्छा, तुम मेरे पास आ जाओ। आ, 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 अरे, आ, अरे कोई नहीं है, कोई तो दिख रहा था। हेलो, कोई है यहाँ? कोई भी नहीं है। लगता मैं सपना देख रहा था। हे भगवान, तही मेरा वहम है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अरे दीदी, दीदी मुझे छोड़ दो। उसने सही कहा था, सच में भूतनी है। भाई चलिए अर्चन। भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। लगता है भूतनी दिख गई, अब उसके साथ मजे कर। अरे भूतनी है, खोल लो दरवाजा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, खोल जाती भूतनी है यहाँ पे। अरे यार ये तो सच में सीरियस लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। ए भाई जल्दी कॉल भाई, मुझे मार डालेगी भूतनी। अब क्या हुआ? मैंने कहा था ना कि भूतनी है, और तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दरवाजा खोल। जब मैंने कहा कि भूतनी है तो कहता मुझे चढ़ गई। अब जाके पार्टी कर उसके साथ, अच्छी तरह से मार खाएगा। नहीं नहीं, अरे मुझे मार डालेगी, जल्दी खोल। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है क्या? उसने बहुत मारा मुझे। सच में? तुझे भी दर्द हो रहा है? अरे ए चिल यार, चिल कर, भूत भूत कुछ नहीं होते। ज्यादा शराब पी ली ना, गिर गया होगा इसीलिए दर्द हो रहा है। तू मेरी कॉपी कर रहा है? उसने कितना मुझे मारा तुझे क्या पता। मैंने जब तुमको बोला था कि इस घर में भूत है तो तुम लोग मुझे पागल कह रहे थे, है ना? अब बताओ पागल कौन है? बेवकूफ, तुम्हें क्या पता कि अकेला डरना कितना डरावना होता है। सही बोल रहा है, भले मेरी बात पे भरोसा ना करो लेकिन ये घाव झूठ थोड़ी है। अरे भाग गई। सुन देव, मुझे एक जरूरी बात करनी है, सीरियस है। बहुत सीरियस। क्या बात है, तुम दोनों को एक ही बात करना चाहते हो? यस। ठीक है फिर बोलो।
इस घर में भूत है। देखो तुम डरना मत यार, पहले तो सिर्फ मुझे ही मार पड़ी थी, लेकिन कल रात को तो इसे भी मार पड़ी है। बहुत ही दर्द है। क्या यार, सुबह सुबह ही शुरू कर दिया? तुझे यकीन नहीं है क्या? नहीं तो और क्या, अगर तुम लोगों को पीना है तो पी लो, पर सुबह सुबह मुझे ये भूत की कहानी मत सुनाओ, मेरे पास बहुत काम है। चलो जाओ, मुझे बहुत काम करना है। अरे हम लोग सच कह रहे हैं, विश्वास कर। ए, चुप। क्या हुआ, क्या बात है? देखो आगे ही जाकर उसे कहानी सुनाओ। शांति, इस बंगले में भूत नहीं है, ये बात ही जानता है, तुम भरोसा करो। मतलब? अरे शांति, इस घर में एक बहुत ही डरावनी भूत भी है। मतलब सुबह सुबह तुम लोगों ने पी रखी है? अभी तक पीना शुरू नहीं किया, इसीलिए ड्रामा कर रहे हैं। तेरी तो मैं सच कहता हूँ, कल रात में भूत ने मुझे पीटा था, परसों रात में इसे पीटा था। ठीक है, मेरी बात पे भरोसा मत करो, पर ये घाव झूठा है क्या? कल रात को तुम लोगों ने पीकर आपस में मारपीट की। हमने दारू नहीं पी थी। देव, वैशु कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। गार्डन में होगी शायद, वहां जाकर मिल लो। शांति, अरे चल सुनो तो। शांत, सुन रहा है? चल, ये लोग हमारी बात नहीं समझेंगे, हमें ही चुपचाप यहाँ से निकलना पड़ेगा। जैसे भूतनी ने हमें पीटा है वैसे इनको पीटेगी ना, तब समझ में आएगा। समझता ही नहीं है लोग। लेकिन कैसे, जैसे हमें पीटा वैसे? हाँ। तो फिर तब तक हम लोग क्या करेंगे? नहाएंगे। एक साथ करें क्या? ठीक है, बस वो बहाने ही आनी चाहिए। अब पता चलेगा जब भूतनी इनको धोएगी।
कहानी खत्म है, समझा ना? अब भूतनी इन पे अटैक करेगी, अगर हम गए तो दोबारा हम पे अटैक करेगी, अब नहीं जाना वहां पे, समझा? चल पत्ता खेल। यस। तुम दोनों को क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? पहले जाकर तुम लोग पानी पियो, देखो वहाँ पर कुछ नहीं है, तुम लोग खामखा डर रही हो। शांत रहो, ये देखो यही भूत हैं। तुम्हें डराने के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है, क्यों बे? तुम दोनों को भी भूत दिखाई देता है ना? इनकी आवाज सुन के हम देखने आए थे। हाँ। तुम दोनों की वजह से ये लोग भी डर रही हैं। चलो अपने कमरे में जाओ। अगर कमरे में भूत आ गया तो? किसी की कहानी सुनकर भूत प्रेतों के ऊपर भरोसा मत किया करो तुम लोग। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब केवल एक भ्रम होता है और कुछ नहीं। चलो जाओ यहाँ से, जाके सो जाओ। हम तुम्हारे रूम में सोए क्या देवा? अरे तुम मेरे कमरे में आके सो जाओ शांति, डरो नहीं। जब भूत आए तो देवा को कह देना, ठीक है? क्या भूत आए तो देवा का कहूँ? चलो तुम मेरे साथ सो। नहीं नहीं, तू भी जाओ ना। शांति आओ, मुझे मत लेके जा, मुझे मत ले जा यार, शांति प्लीज। I'm a Batman. Oh, क्या ये घर के सामने रंगोली बना रही हो? रंगोली बनता है संक्रांति के त्योहार में। ओह ओह, तुझे क्या कहा, टाइटल कैसा होना चाहिए? एकदम कैची होना चाहिए, समझे? चल शांति, तुम ये डायलॉग प्रिपेयर करो। तुम डायलॉग बोलोगी तो हलवा मैसूर पापड़ी इससे पढ़कर और कुछ होना चाहिए। मंगवा के दोगे क्या? चाहिए, बाद में मंगवा दूंगा। तू क्या कर रहा है? पहले हम लोग एक घर दिखाएंगे जिसमें 10 गाड़ी चलेगी। ऐसे ऐसे हो गया तेरा, अब शांत बैठ। एक लड़की आएगी, सुन रहा है क्या मेरी बात? आज कुछ स्पेशल है क्या? तुम ही तो मेरे लिए स्पेशल हो। वैशु तुम साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। सिर्फ तारीफ ही करोगे और कुछ नहीं क्या? अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो पसंद है बोलो। शांति, मैं साड़ी में बहुत अच्छी लगती हूँ, ऐसा तुम ही कहते हो ना? अब मुझे गले लगाकर मुझे किस करो। ओके। हम भी मस्त करेंगे। थोड़े से मेरे पास आना। अब ठीक है ना? कहीं भी शुरू हो जाते हैं। जी। रंजीत भाई। हाँ साहब जी।
इससे पहले इस घर में कोई रहता था क्या? यहाँ बहुत लोग रहते हैं साहब, लेकिन ये 2 साल से यहाँ कोई भी नहीं रहता है साहब, कोई भी नहीं रहता है। पर अब क्यों नहीं रहते हैं? ये तो मुझे नहीं पता साहब, यही कोई रोना धोना चीखना चिल्लाने की आवाजें आती रहती है। इस घर में कभी किसी की मौत हुई थी क्या? मेरा मतलब कोई भूत प्रेत का चक्कर? जहाँ तक मुझे याद है यहाँ तो कोई भी नहीं मरा था साहब, लेकिन ये रोना धोना चीखना चिल्लाना मुझे नहीं पता। ठीक है, आप अपना काम कीजिए। जी साहब। ये भूतनी के बारे में पूछ रहा है, लगता है इसे भी भूतनी दिखी होगी। तुम ये क्या कर रहे हो? हारमोनियम बजाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ए सुना, चल उससे पूछते हैं चल के कि भूतनी उसे भी दिखाई दी क्या। लेकिन भूतनी ने इसे क्यों नहीं मारा? चिल रे यार, चिल। हाँ? चल। आज रात में मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सोजो भी इस पाइप में ही करूंगा। वॉशरूम जाता हूँ। अरे यार, पानी ही नहीं आ रहा है। छे, अरे ये पाइप है इसमें। अरे ये नमक जैसा क्या है? ओ, मेरे टूथपेस्ट में नमक है। सही है, नमक पेस्ट में हो या खाने में, ज्यादा पेट में ही है। मेरे पेस्ट में तो नमक है, दांत साफ होंगे इससे। मेरे पेस्ट में नमक है और मेरे इसमें से इतनी बदबू क्यों आ रही है? अरे ये क्या है? अरे वो बाथरूम जाने से डर लगता है, इसीलिए ऐसे रखा था। नालायक कहीं के, मैंने वो मुंह में लिया था, तुझे बताना तो चाहिए था ना। मैंने उसे अपना मुंह साफ किया है। छोड़ ना यार, छोड़ ना यार, अब मुझे 10 घंटे फिर से मुंह साफ करना पड़ेगा। क्या कर रहा है वैशु? हाँ। रात में हमारे अलावा इस घर में तुम्हें कोई और दिखाई देता है क्या? नहीं तो क्या हुआ? कुछ नहीं, बस घर में सभी लोग डर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई और भी है। ये क्या देवा, तुम भी? ये नई जगह है और सबको तो तुम हिम्मत दिलाओगे ना, अगर तुम ही ऐसा कहोगे तो। कुछ नहीं, बस वो लोग काफी ज्यादा डर गए हैं तो मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लेता हूँ। ऊपर वाले बच्चा भूतनी से, हे भगवान, बहुत डर लग रहा है। अरे मैं हूँ यार, क्या हुआ तुम लोगों को? अब क्या बताऊँ तुझे यार, सच तो ये है कि हमें नींद ही नहीं आ रही है। हम जब सोने जाते हैं तो वो भूतनी आकर मारती है हमें, इसलिए हम नहीं सोएंगे बाबा। तो सिर्फ सपना आ रहा है, लेकिन मेरे सामने तो भूतनियाँ खड़ी हो जाती है, बाथरूम में, अलमारी में, कंबल के नीचे, अरे तुम्हारे पीछे खड़ी होती है, ऐसा लग रहा है। मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ पर कुछ नहीं है, चुपचाप सो जाओ। अरे वो वापस आ जाएगी तो? अरे कोई नहीं आएगा, मैं यहीं पर बैठा हूँ, चलो अब सो जाओ। तुम पक्का यहीं रहोगे ना? हाँ। ये पकड़ो ना इसे, चलो सोते हैं। भूतनी आएगी तो संभाल लेना। अरे बाप रे।
अरे क्या हुआ? ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? ए, ये आवाज वैशु के रूम से आ रही है। चलो चल कर देखते हैं। आ, चलो चलो देखते हैं। चलो, अरे रुको वैशु, उतनी तो नहीं वैशु। अरे कहाँ हुआ? कहाँ है? आराम से वैशु, वैशु क्या हुआ? क्या हुआ इसे? लाइट ऑन करो वैशु। कहाँ है वैशु? भूतनी कहाँ है? कहाँ पर कोई है? यहाँ पर कोई नहीं है वैशु। वैशु वैशु देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है। अच्छा चलो उठो वैशु, मेरी बात सुनो। चलो वैशु, पहले देखो तो यहाँ पर कोई नहीं है। मैं सच कर रहा हूँ, मेरी बात मानो। देखो यहाँ पर मदरन है, किरण है, शांति है, गीता है, हम सब लोग हैं। शांत हो जाओ वैशु, शांत हो जाओ। वैशु मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पर कोई नहीं है। चलो आओ आराम से बेड पर बैठो। आओ बैठो, तुम डरो मत वैशु, सब ठीक हो जाएगा। वैशु हम लोग हैं ना यहाँ पर, शांत हो जाओ, डरो मत। तुम लोग भी यहीं सो जाओ। किनारे हट, किनारे हट। चलो वैशु, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना। जाओ देवा के पास। क्या हुआ देवा, क्या सोच रहे हो? मैं हल निकालने के बारे में सोच रहा हूँ। तो तुम भी यकीन करते हो कि यहाँ पर भूत है? मेरा दिल कहता है कि डरो, पर मन कहता है कि हिम्मत रखो। किसकी सुनो या किसकी ना सुनो, समझ नहीं आ रहा। तो फिर हमें क्या करना होगा? ये आत्मा जरूर हम लोगों से कुछ कहना चाहती है, और ये हमें जानबूझकर डरा रही है। हाँ? आज रात हमें से कोई भी नहीं सोएगा। आज रात वो हमें नहीं ढूंढेगी, बल्कि हम लोग उसे ढूंढेंगे। वो हमें ढूंढे या हम उसे ढूंढे, ये अगर हमारे पास रहे तो कोई भी भूत हमारे पास नहीं आएगा। चलो सुनो, तुम्हारा कैमरा रेडी है? कुछ रेडी कर लिया ना? इसमें मेमोरी कार्ड डाला है ना? सब रेडी है, फॉर्मेट भी कर दिया। वैसे वो पागल का है? अरे ए, ये क्या जोकरों वाली हरकत कर रहा है? अच्छा तो मुझे एक बात बता, भूतनी को मुझे देखकर डरना चाहिए, मुझे भूतनी देखकर डरना चाहिए? चल ये कंफर्म है, भूतनी तुझे देखकर ही डरेगी। ए, चुपचाप तुम दोनों उधर जाकर ढूंढो, और तुम लोग मेरे साथ रहना, तुम इसे पकड़ लोगी ना? ओके। गीता, तुम भूतनी जैसी दिखती हो, इसलिए बाथरूम में जाके तुम भूतनी को ढूंढोगी। शांति, तुम मेरे साथ आओगी? मुझे नहीं आना, तुम जाओ भाई। मुझे देखते ही भूतनी खुद डर जाएगी। तुम शांति हो? चल चल चल, मैं हूँ। कौन है? हटो, साइड में हटो। ये लो, अच्छे से चेक करो कि लाइट ऑन हो रही है या नहीं। बैटरी है। सुनो, हम जितनी भी तैयारी कर ले, वो अपना खेल जरूर खेलेगी। चाहे कोई भी भूत हो, आज हम उसे नहीं छोड़ने वाले। हाँ नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों जाके उस तरफ देखो, समझ गए ना? अगर कुछ दिखता है तो जोर से चिल्लाना, यही हम लोगों का सिग्नल होगा, समझ गए? हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। चलो चलो शांति, तुम भी चलो। शांति शांति। I'm a Batman.
मुझे डराया? चल चल मैं बताऊंगा। I'm a Batman. तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। I'm a Batman. तो तुझे शांति चाहिए ना? रुक जा, अभी देता हूँ तुझे शांति। I'm a Batman. शांति चाहिए थी ना तुझे, ये ले मिल गई शांति। ये ले पकड़ इसे और चल मेरे साथ। तुमने मुझे डराया? मैं बताऊंगा। क्या देख रही है? चिल यार, चिल। ठी, पागल है क्या तू? तेरी तो चल बारा। इसने मुझे गुड़िया दिखा के डराया था। सब लोग कितना डर गए थे, शर्म नहीं आती। तुम दोनों जाके उस तरफ देखो। चल। बेवकूफ कहीं का। I'm a bad man. अरे मेरी बेडशीट कहाँ है? इसने मेरी बेडशीट ओढ़ी नहीं तो फिर गई कहाँ? पागल है क्या? दोस्त, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। मुझे तो बुखार आ रहा है, अब क्या करें? बुलाएं क्या? चिल्लाएं तो जिम करेगी, हिले तो पैर काट देगी। तो फिर अब क्या करें? तुम बिल्कुल मत डरो, मैं इसे सेंटिमेंट करके मारता हूँ। मैं बाथरूम जाके आता हूँ। सेंटिमेंट नहीं यार, सेंटिमेंट। मैडम, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? आप जाके सो जाना। अब मुझे भी सोने दो ना, क्यों परेशान कर रही हो? देखो ना, आंखों के नीचे काला पड़ गया। देखो देखो इधर देखो। अबे लेकिन ये पानी की कमी की वजह से होता है ना? ये सही कह रहा है मैडम, मुझे भी हो रहा है। मेरे तो सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है मैडम। हाँ मैडम, मुझे भी सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सच में मैडम, हम दारू तो पीते हैं लेकिन वो चढ़ती नहीं है। बेवकूफ। मैडम बाहर जाके सो जाओ ना। मैडम बाहर एसी भी चला दिया है। हाँ चाहे तो चादर भी लेकर जाइए। हाँ, मैडम जाओ जाओ जाओ। मैडम 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 क्यों रे? मैडम कुछ बोल नहीं रही है। तुझे देख के डर के तो नहीं चली गई? देखा, मेरी बात सुन के भूतनी भाग गई। देखा, मैं बहुत कमाल हूँ। अरे ये तो सच में चली गई, क्या बात है। चल अब सो जा। हाँ चल। देखा ना, सेंटिमेंट से मैंने धो डाला रे। ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो खेल खेल रही है। ये भूत है या कुछ और? अगर वो सच में भूत है तो वो कैसे और किस रूप में बाहर निकलती है?
वो आखिर इंसानों को क्यों डराते हैं और हम लोग उससे किस तरह से बचे? इस तरह खेल खेलेंगे तो हम जीतेंगे। क्या सोच रहे यार? कुछ नहीं यार, बस मैं थोड़ा सा काम कर रहा था। ओह ऐसा है क्या? मैंने सोचा भूत को कैसे मारे ये प्लान कर रहे हो। ए, मरने के बाद ही तो लोग भूत बनते हैं। जानता हूँ पागल। ओ बात क्या है कि हम जब से यहाँ आए हैं शराब नहीं पिए, तो आज रात हम पीने का प्रोग्राम करते हैं, क्या बोलते हो? चप्पल से मारूंगा तुझे। पहले इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन ढूंढो, जब देखो बस शराब की ही बातें करते रहते हो। चिल यार चिल, तुम्हें पता है शराब पीने से 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, समझे? अगर नहीं पियेंगे तो डरेंगे, अगर हम नशे में रहेंगे तो डराएंगे। मैं क्या बोलता हूँ, नशे में हो जाओ यार, नशे में। सच कह रहा है, शराब पीते हैं, चलना है यार। प्लीज देवा मान भी जाओ। हाँ देवा, उसके डर से हम शराब पीना क्यों छोड़ दे? हम सब मिलकर साथ में यही रहेंगे, आए तो देख लेंगे। अरे हाँ। यार ये तो बेवड़ी है, कम से कम हमारे लिए नहीं तो इसके लिए तो मान जा। तुमने सही कहा, ठीक है जाके पी लो। बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? तुमने छुआ ना तो मेरा सारा दर्द खत्म हो गया। छुओ ना यहाँ पे, हमारा रोमांस बहुत हो गया। चलो सेटअप सेट करते हैं। चलो पीते हैं, प्रोग्राम बनाओ, पार्टी करते हैं। बाबा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है जानते हैं? और वो क्या है? शराब। अब भूतनी मेरे सामने आ भी जाएगी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओ, ई कह के कितना भी डराएगी, मैं डरने वाला नहीं हूँ। उसको पकड़ के लात से मारूंगा, पटाक करके गिर जाएगी। ओहो, तुमने शराब पी रखी है इसलिए नहीं डरोगे, लेकिन परसों तुम क्यों डर गए थे? चिल शांति चिल, उस दिन मैं बहुत थोड़ा सा पिया था, लेकिन आज फुल टाइट हूँ मैं। मैं आज उसे मार डालूंगा अगर वो मेरे सामने आई तो। आज अगर वो आ गई तो मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगी वो। धड़ 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 लातों से मारकर पिछवाड़ा सुझा दूंगा। हाँ, रे छोड़ूंगा नहीं। अरे कभी ना कभी क्यों मारेगा, आज ही चल के मारते है ना। आज मेरा मूड नहीं है शांति। क्या हुआ? तुम चलो ना, बहुत मजा आएगा। शांति, आज हम लोग रोमांस करें क्या शांति? बहुत मन कर रहा है मेरा। तू छोड़ रहे, जब देखो डिस्टर्ब करती रहती है, मूड खराब हो गया। जाने दे मुझे, जाने दे।
अजनबी, मुझे जिंदा रहने के लिए बॉडी चाहिए। अब देखती जाओ कि मैं किस तरह से इस खेल को खेलती हूँ। जाओ। तुम मेरी बॉडी से निकलोगी कि नहीं? नहीं निकलूंगी तो क्या करोगी? चुपचाप यहाँ से जाओ। जब तक मुझे मेरी बॉडी नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाओगी कैसे नहीं? ये बॉडी तो मेरी है। जैसे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। दोबारा क्या तो मार डालूंगी। ये क्या वैशु, ये कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुमने इसे मारा? अरे तुमने ही तो कहा था साड़ी पहनूंगी तो तुम्हें हग करूंगी। वो पहले की बात है, अभी की नहीं। और तुम्हें अगर रोमांस करने का इतना शौक है तो कर लो इसके साथ रोमांस। ए वैशु, ए तुम कैसी बातें कर रही हो? ए चुप बैठ। इससे क्या हो गया? अरे देव, वैशु इस तरह से क्यों बातें कर रही है? इसे अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं यार, कल रात को उसने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ। मैं नशे में सो गया, पर कोई बात नहीं, मैं जाके उसे मना लूंगा। तुम लोग तो उसको जानते ही हो, मेरी फिक्र मत करो। सॉरी सॉरी यार सॉरी। कहीं भूतनी इसके अंदर तो नहीं आ गई? गाइस लेट्स प्ले सम क्विज। सबसे पहले कौन आंसर देगा? मैं तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, गूगल खन्ना। सॉरी। ओके। साधारण एसिड, गैस्ट्रिक एसिड पीएच की वैल्यू क्या है? गैस रस। हे रसम सामर, नहीं पूछा मैंने पीएच की वैल्यू क्या होती है, वो बता। जानता हूँ। गीता तुम्हें पता है क्या? शांति तुम बताओ। पास। ओके अच्छा तुम बताओ ये पीएच वैल्यू होता क्या है? गैस्ट्रिक एसिड पीएच की वैल्यू क्या होती है? GAS। हाँ आप स्पेलिंग क्या? सच में पागल हो, फोन यूज करते हो? सच में गधे हो, फोन यूज करते हो? तुम्हें ये भी नहीं पता? बस इसीलिए तो मैं गेम्स नहीं खेलता हूँ। तुम बच्चों के साथ मत कंचे खेलो। कोई भी गेम खेलो तुम्हें उससे क्या? गैस्ट्रिक एसिड पीएच वैल्यू 2:1 याद रखना। गैस्ट्रिक एसिड का पीएच वैल्यू 2:1 नहीं, 1:2:2 है। हाँ ओके मैं ही रॉन्ग हूँ, वैश्यू ने सही कहा। ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमन जूस? 2:4। हाँ ओके यूरिन 4.8 to 7.5। बिल्कुल सही है। ओके अच्छा ये सोडा वाटर 5.5। थूक 6.42 to 6.9। ओके डिस्टिल वाटर 7। ब्लड 7.4। अमोनियम 11.5। शिट। ओके इंडियन साइंटिस्ट के मशहूर आदमियों के नाम बताओ।
डॉक्टर एम जहांगीर बाबा एटॉमिक एनर्जी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जिन्हें नक्षत्र और जन्म के लिए नोबेल अवार्ड मिला था 1983 में, सर सीवी रमन रमन एथिक नोबेल अवार्ड 1930, हरगोविंद खुराना इनको नोबेल अवार्ड मिला था 1968 में, आचार्य पीसी रे को नेतृत्व के लिए नोबेल अवार्ड मिला था, मेघनाथ शाह को मिला था आइस फॉर्मेट के लिए, बीरबल सहानी सलाइन सीरीज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, विक्रम साराभाई को अनुशक्ति प्रयोग के लिए, रोहिणी रॉकेट को निर्माण करने के लिए, एमओवी आयंगर उन्होंने कुछ प्रयोग किया था, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, जेसी बोस क्रिस्टोग्राफी, एमजी स्वामीनाथन शंकराचार्य के क्रांति के लिए फादर ऑफ इंडियन ड्रीम रेवोल्यूशन, ड्रीम स्टेट एस्ट्रो प्रोजेक्शन ऑफ सोल, सना विपासना। वैशु क्या हुआ, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है, किताब पढ़ रही हो? आजकल तुम साइंस की बुक पढ़ती हो, तो इसमें गलत क्या है? वो बात नहीं है, इससे पहले तुमने कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, तुम्हें इसे पढ़ते देखा इसलिए बोला। इसके लिए भी कोई टाइम टेबल होता है? जो मुझे अच्छा लगेगा और जो मुझे पसंद होगा वही करूँगी। हे, इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? जब मैं बुक पढ़ती हूँ उस वक्त कोई डिस्टर्ब करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओके ओके सॉरी, तुम पढ़ो। वैशु 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 ये कहां चली गई? शांति, हाँ, शांति, हाँ, क्या हुआ? वैशु है क्या? वैशु, वो यहाँ क्यों आएगी? वो अपने रूम में नहीं थी तो मैंने सोचा यहाँ पर होगी। चलो हम चल के देखते हैं उसे। तो होना चाहिए, चलो देखते हैं। कर रहे हो तुम लोग? हम डांस कर रहे हैं। वैशु है क्या? वैशु यहाँ क्यों आएगी? अपने ऊपर कमरे में होगी, जा। हे, वो अपने कमरे में नहीं है इसीलिए पूछ रहा था। कहाँ होगी? हमें क्या पता कहाँ होगी? वो नहीं है। चलो 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 ढूंढते हैं, चलो। वैशु 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 तुम कहाँ हो? उस तरफ देखा। वैशु चलो देखते हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। वैशु वैशु ये हम हैं। वैशु 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 Jesus, please forgive me, forgive us. Jesus, save the food, save the country. ए, मैडम नहीं आई क्या? पता नहीं यार। वो भूतनी प्रैक्टिस कर रही होगी। वो देख, वो आ गई है। वैशु तुम आज चिकन खा रही हो? तुम्हें तो चिकन पसंद नहीं था ना? टेस्ट हमेशा बदलते रहना चाहिए, पहले पसंद नहीं था अब पसंद है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब चिकन को कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमें क्यों होगी? हाँ खाओ। फूड तक तो ठीक है पर इंसान, तुम सब इतना जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? कोई छीन के नहीं ले जाएगा, आराम से खाओ।
फास्ट का है तो फास्ट हजम होता है, डॉक्टर ने कहा था। जल्दी जल्दी खाना खाने से खाना जल्दी पचता है। शांति तुम मेरे साथ जल्दी चलो, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। ओके, मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं तुम यही रहो, आराम से रहो। अरे सुनना, अरे शांति शांति, वैशु। हाँ। कुछ दिनों से तुम्हारा बिहेवियर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, मतलब मुझे भी। मतलब क्या पसंद नहीं आ रहा है? मेरा मतलब ये भूतनी है जिसकी वजह से तुम इस वक्त काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी हो। किस बारे में बात कर रहे हो? हम इसी के बारे में बात करें वैशु। अब तुम वो पुरानी वाली वैशु नहीं हो। मैं सोच रहा था कि तुम्हें किसी डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। मतलब तुम मुझे पागल समझ रहे हो क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा वैशु, तुम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गई, यही सोच रहा था मैं, और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब तो यही हुआ ना। सुनो देव, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे अवॉइड करते हो। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आई डोंट नो। तुम लोग अपने आप को डॉक्टर को दिखाओ। मुझे कुछ काम करना है, तुम जाओ यहाँ से। जब देखो फोन में बिजी रहती है। इडियट कहीं का। ए, तुम्हें क्या हो गया? क्या बताऊं यार, वैशु को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा तो उसने कहा कि मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक प्लान है। वो क्या है? वो तुमसे कह रही थी ना कि वो नॉर्मल है, तुम इसे किस मांग के देखो। अगर तुम्हें किस देती है तो हमारी वैशु है, अगर किस नहीं देती है तो हमारी वैशु नहीं है। अब उसके अंदर कौन है वो खुद ही बताएगी। ऐसा आइडिया तुम्हारे पास बहुत है, ये जैसा कहते हैं वैसा करो। तुमसे पट्टी तो ठीक है, नहीं तो हम ट्राई करेंगे। क्या बोलती है शांति? वो ठीक है लेकिन। अरे कुछ नहीं होगा, तुम एक बार ऊपर जाओ। जाओ जाओ ना भाई। शांति तुम इधर काम करेगा, हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? वैशु क्या है? कॉफी। वैशु तुम पक्का नॉर्मल हो ना? एक ही बार कितनी बार पूछोगे? ऐसा नहीं है, बस श्योर हो रहा था। श्योर? वैशु आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, प्लीज मुझे एक चुम्मा दो ना। मैं अभी चुम्मा नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती हो? क्या तुम तो नॉर्मल हो ना? मैं नहीं दे सकती। तुम क्यों नहीं दे सकती हो? मेरा अभी मूड नहीं है। मूड नहीं है? रुको मैं बनाता हूँ मूड, चलो दो। मैंने तुम्हें मना किया है ना? मुझे मना क्यों कर रही हो? क्या इससे पहले तुमने कभी दिया नहीं है क्या? अरे बेहतर होगा कि ऐसी हरकत मत करो। मैं नहीं दे सकती। मुझे चुम्मा क्यों नहीं दे सकती? तुम दोगी कि नहीं? आज तुम्हें देना होगा। वैशु वैशु मेरी। सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं
मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ। चल 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 यहाँ से। अरे तू आ क्यों बना? चल ना शांत शांत। कोई डाउट नहीं है, वैश्य को भूतनी ने पकड़ लिया है। बाप रे, बहुत खतरनाक दिख रही थी भाई। उसे उस तरह से देखकर मेरी तो जान ही निकलने वाली थी। ए, तुम चुप ही रहो। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ऊपर से डर रहे हो और हमें भी डरा रहे हो। ना डरे तो और क्या करे, वो इंसान नहीं भूतनी है। हम तो इंसान है ना। हाँ पता है। क्या हुआ देवा, तुम क्या सोच रहे हो? उसके शरीर से वैश्य को कैसे बाहर निकाले यही सोच रहा हूँ मैं। ए, मेरे पास एक चिल आइडिया है। वो क्या है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हम उसे साइलेंट से पेश आए तो वो हमारे साथ वायलेंट से पेश आती है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? वो ऐसा एक आदमी है, मैं उसे जानता हूँ। वायलेंट करने वाला मेरे पास एक आदमी है। पता है तुम लोगों? क्रिकेट ग्राउंड में वॉलीबॉल खेलेंगे। क्या मतलब? क्रिकेट को तुम नहीं जानती हो ना शांति। क्रिकेट बॉल को वॉलीबॉल जैसा ऐसा ऐसा खेलेंगे। वो सपने में भी सावधान रहेगी। तुम अपनी कहानी बंद करो और वो कौन है बताओ। तुम जरा चुप रहोगी शांति, अब आएगा मजा। कौन है वो? उपेंद्रा। ये कौन है? सिनेमा का एक्टर है? यस, एक्टर है, लेकिन क्राउड एक्टर नहीं, द रियल एक्टर। उसे भूत दिखता है तो गच्चे 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 हाथों से खेलता है। तो क्या उन्हें बुलाओगे? चिल शांति चिल। हेलो भाई, वो आने वाला है। वो ये उपेंद्र है कौन यार? हमारा काम करेगा कि नहीं? चिल रहे चिल। उपेंद्र नरम से ज्यादा नरम होगा, गरम से ज्यादा गरम होगा। उसके सामने पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब वो आदमी कर पाएगा या नहीं पता नहीं, लेकिन तेरा ड्रामा तो बढ़ता ही जा रहा है। हे, वो तेरा संघ का ब्रांड एम्बेसडर है यार। अच्छा, तेरा ये आदमी भूत संघ का मैनेजर है क्या? वहां देख। कमाल कर दिया। बाद में खेलना, चलो पहले अंदर चलते हैं। अरे कौन है? आदमी है कि जिराफ है? वर्किंग टाइम में सब वर्क करते हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो ये बता दो मुझे। पकौड़े बना रहा हूँ, खाएगा क्या? अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो और ऊपर जाकर अपना काम करो। चलो। मैं किसी से नहीं डरता, न भूत से, न प्रेत से, न भूतनी से, न चुड़ैल से, किसी से नहीं डरता। पकड़ कर, ये है रियल एक्टर। He have done no gun. Oh, dummy है। अरे मुझे देख के डर गई लगता है। तुम यहाँ हो? अभी दिखता हूँ। अरे बापरे, एक बात बताओ, तुम लड़कियों को डराती हो और लड़कों को मारती हो क्या? चॉकलेट के लिए रोने वाली छोटी बच्ची की तरह रोती हो क्या? उससे क्या होगा? ताकत दिखाना है तो मेरे सामने दिखाओ ना। अरे रेस में दौड़ना है तो खच्चरों से मुकाबला मत करो, मेरे जैसे घोड़े के साथ मुकाबला करो तो पता चले चलती है क्या। अरे चलती है तो बोल, बोल क्यों नहीं रही? गूंगी है क्या? मेरे सामने अपनी अकड़ दिखाना। अब गूंगी बहरी है क्या? अरे अरे मुझे फेंक दिया यार, दर्द हो रहा है। माँ, मेरी माँ, माँ, अरे मेरी माँ, मेरी बहन, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मेरे से, मैं तुझे पहचान नहीं पाया मेरी बच्ची। बाहर जाऊं तो लोग जीने नहीं देते और यहाँ तू मुझे जीने नहीं देगी लगता है, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई, मैं तेरे सामने कुछ नहीं हूँ, मैं कभी नहीं आ जा आऊंगा, मुझे छोड़ दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे, मुझे डर लग रहा है, घूर मत। इंसानियत नहीं है क्या? इतना विनती कर रहा हूँ तेरे से, बाहर समाज में क्या क्या हो रहा है जाके देख तू। बाहर जाता हूँ लोग जीने नहीं देते तो ये करके पेट पालता हूँ, ये भी तुझसे देखा नहीं जा रहा है? ये घूर क्या रही है तू? मुझे मार डालेगी और इसे देख क्या कर सकती है? घूर रहे मुझे, मैं भी तुझे घूरूंगा, मैं भी घूरूंगा तुझे, जो करना कर ले, मुझे मार डालेगी ना फिर से।
अरे बाप रे, अरे टूट गया रे, चली गई लगता है, डर गया। मैं बाहर जा, नहीं मैं बाहर जाता हूँ, मुझे माफ कर दे, नहीं गया तो मेरी बीवी मुझे मारेगी, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे माँ, मुझे जाने दे। बाप 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 बाप, तुम ये साउंड सुन रहे हो ना, भूतनी को भगाता होगा। क्या तुमने भूतनी को भगा दिया? क्या हुआ? गॉड इज ग्रेट सर, गॉड इज ग्रेट बोला मैं। क्या गॉड इज ग्रेट यार? सुन सुन, भाग जाओ तुम लोग। उपेंद्र, इसको क्या हो गया, ये क्यों भाग गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है। इसका इंट्रोडक्शन तो बॉलीवुड के हीरो जैसा दिया था रे, लेकिन ये निकला बी ग्रेड पिक्चर का कॉमेडियन। मैडम के सामने हीरो बनने गया था, लगता है अच्छे से एक्टिंग कराइए इससे। चल अब बता कौन था ये? आईपीएल मैच में ग्राउंड है ना, वहाँ ये क्लैपिंग का काम करता था, मुझे लगा कि ये काम में आएगा। अब हम क्या करें? डांस करेंगे, डांस। तेरे आदमी से तो कुछ भी नहीं हुआ, इसके लिए अब मुझे तांत्रिक बुलाना पड़ेगा, तू बस देख अब। जब देखो तब मुझे मारती रहती है, तू भी मारेगी शांति? गुरुजी नमस्ते। ओम जयंती मंगला खाली। संभल के जाना रे। आइए नमस्ते गुरुजी। दीर्घायुष्मान भव। नमस्ते। अंदर आइए। अंदर चलिए। खुश रहो। काली काली काली, ये कुरकुरे मांग रहा है क्या? कुरकुरे है क्या? ये बेवकूफ, ये मंत्र है, ये बहुत बड़े तांत्रिक है समझा, बहुत सारी भूतों को भगाया इन्होंने। ये कुत्ता पकड़ने वाला लग रहा है, भूत कहाँ से पकड़ेगा बताओ? ये वैश्यु के अंदर से भूत कैसे निकले? सबसे ज्यादा पावरफुल है। मुझे तो ये शुगर पेशेंट की तरह दिख रहा है। हाय हाय, यहाँ पे क्या हुआ? बहुत बड़ी भूतनी है मूर्ख, वो उछल रहा है। इसे कैसे पता है रे? क्या बकवास कर रहा है मूर्ख? बहुत बड़ी भूतनी है यहाँ पे, काली 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 ही बचा सकती है तुम लोगों को। वो इधर उधर कूद रही है, तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो बताओ मुझे जल्दी। होम करना पड़ेगा। महाहवन करवाना पड़ेगा यहाँ पे, चलो तैयारी कर लो इसकी। हाँ ठीक है गुरु, हवन तो हम करवाएंगे, लेकिन वो भूतनी हवन के बाद नहीं भागी तो तुम्हारा हवन करवाएंगे हम। तुम्हारे सर पे हवन। काली 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 काली, क्या कर रहा है? काली काली काली, ये बकवास कर रहा है तू मेरे साथ मूर्ख कहीं का। माफ कर, ये पागल है, हम तैयारी करते हैं। कितना मसाला है। क्लेम ब्लेम, इधर काली 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 काली, ऐसे करोगी तो ज़ूम होता है। क्या बात है गुरुजी? गुरुजी को मच्छर ने काट लिया यार, है ना गुरुजी? ओम एम क्लेम ब्लेम, काली 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 काली। अरे फिर से क्या हो गया गुरुजी? वापस मच्छर ने काटा। गुरुजी आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। दो बार मारा है, आंसू नहीं आएगा तो क्या आएगा? पानी सही कहना। क्लेम कोई मेरे पीछे है क्या रे? कोई नहीं होगा। अरे कोई नहीं होगा, मच्छर ने बस काटा होगा, किसी ने डंडे से नहीं मारा होगा, है ना गुरुजी? ऐसा ही लग रहा है। हाँ, मुझे सब पता है, लगे रहो लगे रहो। लड़की यहाँ है लेकिन रिमोट
ऊपर है। कहाँ है रिमोट? ऊपर कमरे में है गुरुजी। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है, वो बहुत बड़ी है। औरत मरी है, मरी औरत, औरत औरत मरी की आत्मा है। कोई भी हो, मैं कौन हूँ ये जानता नहीं है क्या मुझे कोई? मैं हाली अरे बाप रे, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये कोई साधारण भूतनी नहीं है। फिर कौन है गुरुजी? बहुत बड़ी शक्ति है, पीछे खड़ी होके मेरे पिछवाड़े पे लात मार रही है। मैं क्या करूं, मैं भाग भी नहीं सकता। अरे बाप रे, मुझे माफ करो, मेरे से नहीं होगा। तुम लोग देख लो अपना, मुझे माफ करो। जा जा जा, मार ले जाओ, बैठो, भागो। अरे गुरुजी, सुनिए तो गुरुजी। अरे गुरुजी, अरे काली काली कहने से मुझे मालूम पड़ा कि ये किसी काम का नहीं है। ए चिल रे चिल, नींबू लेके आ, नींबू का पानी बना। गीता क्या है? ए शांति, हम जूस पियेंगे और मैं तुम्हें बड़े गिलास में जूस देता हूँ, चलो। मेरा आदमी भाग गया और ये लंबू का काली काली भाग गया, समझ में नहीं आ रहा है। ये नौकर से पूछता हूँ। ओ भाई। हाँ? सुनो भाई, साहब जी, इस गांव में कोई तांत्रिक है भूत भूतनी को भगाने वाला? यहाँ यहाँ कोई तांत्रिक तो नहीं है, लेकिन एक पंडित जी है जो भूत भूतनी को भगाते हैं साहब। हमारे गांव में रहते हैं वो। वो अभी कहाँ है? मंदिर में होंगे। मुझे उसके पास ले। हाँ हाँ चलिए ना, ये मंदिर है। हाँ नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, कैसे हो तुम? सब आपकी कृपा और आशीर्वाद है पंडित जी। और ये कौन है? हमारे फार्म हाउस के जो साहब है ना, उनके दोस्त हैं ये। इनको आपसे मिलना था, इसलिए मैं इनको यहाँ लेकर आ गया। उस बंगले में रहते हैं? हाँ पंडित जी, आओ बैठो। पंडित जी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बताओ। एक मिनट यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। ठीक है पंडित जी। ओम नमः शिवाय, जय शंभु शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम शंभु शंकर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये जल शिव जी के पवित्र चरणों से लिया गया है। जब उस लड़की का ध्यान न हो तब ये जल उस पर छिड़क देना, कितनी भी बड़ी भूतनी हो चली जाएगी। ठीक है पंडित जी। इसके कितने पैसे हुए? नहीं नहीं, शिव जी के चरणों का जल है ये, इसके लिए पैसा नहीं ले सकते। शिव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है पंडित जी, समझ गया। कल्याण हो, चलता हूँ। सुखी रहो। हे ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। बताओ क्या कर रही है तुम? क्या है ये? ये मंदिर के पंडित जी ने दिया है, शिव जी के चरणों का पानी है। हम वैश्य को ऊपर डाले तो उसकी भूतनी भाग जाएगी। हाँ, सच में? हाँ, हाँ ये सीक्रेट है। तुम एक काम करो, तुम इसे छुपा के रखो, जब मैं मांगू तो मुझे दे देना। हाँ ठीक है, दे दो मुझे। हाँ संभल के छुपा के रखना। दो मुझे। अरे देखने में तो कहीं से अच्छी नहीं लगती है। उसके ऊपर डाल देंगे, लेकर आ जल्दी। मैंने इसे दिया था, इसे तो दिया है। लगाऊंगा एक। मैंने तुझे दिया तो तूने इसे क्यों दे दिया? एक काम ढंग से नहीं कर पाती है। तुमने कहाँ रखा है? जमीन में रखा हुआ है। जूस बनाने के लिए सोचा था। मुझे लगा वहाँ सेफ रहेगा। जा जल्दी लेके आ। मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा क्या? नहीं, पूरी मंडली जाएगी। जा।
अरे तुलसी का पत्ता। अरे क्या हुआ, जल्दी ला। हाँ अरे क्या हुआ। हाँ अभी लाया। अब तुलसी का पत्ता कहाँ से लाऊं। हाँ ये कड़ी पत्ता ले लेता हूँ। डाउट नहीं आएगा। आइडिया। अरे किरण जल्दी ला। हाँ आ रहा हूँ। रेडी रेडी। चली गई क्या। हाय फाय। सॉरी सना जी, हम इमली चावल बनाने के लिए, तो इसमें इमली फिसल गया तो वाटर आपके सर पे गिर गया। सॉरी। हाँ अरे बहुत तेज से मार दिया। क्या हुआ? तुम लोग कहाँ चले गए थे यार? हम बगल वाली रूम में थे। पंडित जी भी नकली निकले, अब क्या करें? वो नकली नहीं है, उनकी बातों और आंखों में मुझे सच्चाई नजर आ रही है। कहीं किसी से कुछ तो गड़बड़ हो गई है। अरे बाप रे, पकड़ा गया। ये क्या? सुबह तो इसमें तुलसी थी, अभी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता? कड़ी पत्ता है क्या? सच तो ये है, तुम लोगों ने जब मुझे जल्दी आवाज दी तो मेरे हाथ से वो छूट गया। हाँ? तुलसी का पत्ता नहीं था तो कड़ी पत्ता डाल दिया। तेरी तो। इसे छोड़ो, मैंने इस पे भरोसा करके इसको दिया था, लेकिन ये। हाँ, मारना मारना मुझे, मार मार के देखो। ओम स्वयं बकाया त्रिपुराम बकाया। ओम नमः शिवाय। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। रमन्ना ने। आइए बैठिए। हाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु। ये लीजिए, ये तावीज है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर से लाई गई है। ये तावीज उस लड़की को पहना दो और बाकी सबको भी पहना देना। ये तावीज अगर तुम्हारे शरीर से जुड़ी रही तो कोई भी आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये तावीज तुम्हारी रक्षा करेगी। ठीक है पंडित जी, लेकिन सावधान रहना। जी ठीक है। अच्छा काम हो गया। ए चल उठा यार, सो रही है। चल उठा, उठा ना वैशु। वैशु। ए वैशु, ऐसे नहीं। वैशु उठ। ए वैशु तू क्या कर रहा है? ए उठ। अबे कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं।
आधी रात को मेरे कमरे में क्या करने आए हो? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? ये क्या है? मैंने इसने पर किस लिए? इस तावीज को मैंने बांधा है। मुझे तावीज वावीज नहीं पहनना। इस तरह की हरकतें करोगे ना तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। निकलो यहाँ से। चलो भागो भागो। ए, लगता है उसने मैं नकली दे दिया। इसे भी उतार देता हूँ। हमारे फालतू पैसे चले गए। चल यार चल, कल सुबह उसके पास जाके इसके बारे में बताएंगे। एक मिनट रुको। हाँ वो सो गई। हे भगवान, चलो अंदर चलो चलो। खोल जल्दी। ये रहे पंडित जी। पंडित जी क्या है? पंडित जी ये ताबीज तो किसी काम की नहीं है। इसे पहनने के बाद भूतनी भाग जाएगी, ऐसा कह रहे थे आप? हे, इनसे क्या बात करते हो? ताबीज वापस कर दो। ये लीजिए अपनी ताबीज। ताबीज लौटाने से तुम्हारी समस्या का समाधान होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। काशी विश्वनाथ से सबसे पवित्र तावीज बनाकर लाया है तुम्हारे लिए और तुम इसकी बेइज्जती कर रहे हो। देखो, मेरी प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। भगवान ने जो समस्याएं दी हैं उनका समाधान भी वही देता है, और इंसान ने जो समस्याएं पैदा की है उसका समाधान भी उसे ही ढूंढना होता है। तुम जर्नलिज्म पढ़े हो ना, सोच लो। चलो चलते हैं। सोचना क्या है, पूजा पाठ से भी कुछ नहीं होने वाला है। अरे भूल ना। ए देव, हम लोग यहाँ से जाने का फैसला कर चुके हैं। हमने अपना सामान ले लिया, अब जा रहे हैं। और वैशु? उसी के डर से तो हम घर से भाग रहे हैं। हाँ यार, ऐसे रोज रोज नहीं डर सकते, हमारा भी फ्यूचर है। हाँ देव, हम यहाँ रहेंगे तो जान का खतरा है। सही कह रही है। ओह, तो अपनी जान बचाने के लिए हम उसकी जान खतरे में डाल दी, यही कहना चाहते हो ना? अरे पागल जैसी बात मत कर, हम यहाँ रहे तो हमारी सबकी जान चली जाएगी। मैं वैशु को यहाँ छोड़कर चला गया तो मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा, बताओ? प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करना चाहिए, ऐसे भागना नहीं चाहिए। हे, हम बचपन से ही साथ में रहते थे, सारे सुख दुख में साथ रहे। किसी आत्मा के डर से हम वैशु को छोड़ दे क्या? तुम ही बताओ, मैंने सही कहा ना? सही है यार, कम से कम यहाँ से बाहर जाने के बाद हम सबकी जान तो बच सकती है। ओहो, फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि पहले हम अपनी फ्रेंड की जान बचाएं। हाँ। तो वैशु भी तुम्हारी फ्रेंड है ना? अगर कोई बीमार होता है तो अस्पताल जाते हैं, ना कि हम उसे लेकर शमशान जाते हैं कि वो मर जाएगा। अगर उसे छोड़कर जाते हैं तो समझ लो शमशान में छोड़ दिया। तो अब हम क्या करें देव? हम सब लोग यहाँ साथ में आए थे और साथ में ही जाएंगे। उसके भरोसे भी हमने काम किया था, अब मेरे भरोसे पे थोड़े दिन यहाँ रुको। हे, फ्रेंड्स को छोड़कर गए तो धोखेबाज कहलाएंगे, और प्रेमिका को छोड़कर गया तो ना मर्द कहलाऊंगा। अरे अरे, डायलॉग मारकर चला गया। अरे देव के बारे में तो हम लोग जानते हैं, वो जो चाहता है उसे हासिल करके रहता है, पर ये तो लाइफ एंड डेथ का मैटर है और इस वक्त हमें उसे सपोर्ट करना ही होगा। अगर हम लोग देव का साथ देंगे तो हम वैश्य को बचा लेंगे। चलो अंदर चलते हैं। शांति, तुम्हारे बैग का बहुत वजन होगा ना, मुझे दे दो। ये भी पकड़, फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे डायलॉग पसंद आया। तेरी तो बैग पकड़ने के लिए फ्रेंडशिप किया था क्या? कोली बना के रख दिया। नहीं, मैं नहीं मरी हूँ, मैं नहीं मरी हूँ, नहीं मरी मैं। Thank you.
मैं आप लोगों की बात समझ गया। बहुत ज्यादा डर की वजह से वो टोटल डिप्रेशन में भी जा सकती है। हमें उसे संभालना होगा। उसे बिल्कुल नॉर्मल करने के लिए वक्त तो लगेगा ही। ऐसा है तो उसे किसी भूतनी ने पकड़ा है। वो ऊपर से नीचे आवाज देती है। ये तो फिल्म में दिखाई किसी भूतनी की तरह है। वो अपने रूप को कैसे बदल सकती है? पॉसिबल है क्या? दैट्स मैजिक। व्हाट? यस। डिप्रेशन में जब इंसान जाता है तो अलग अलग तरीके की हरकतें करता है, जस्ट लाइक अ मैजिशियन, एक जादूगर की तरह। वो मैजिशियन की तरह हरकतें करे ठीक है, लेकिन उसे ये ट्रिक कैसे पता डॉक्टर? कहीं से भी पता चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्विमिंग सीखने की कोशिश करते हैं तो किसी से कहते हैं कि हमें रस्सी बांधे, लेकिन जानवरों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंसान को किसी दूसरे की मदद की जरूरत होती है। जानवर किसी दूसरे की मदद नहीं लेते हैं, समझ रहे हैं ना आप? वैसे ही जो लोग मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं वो काफी अजीब हरकतें करते हैं। हमें जल्द से जल्द उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। मैं जैसा कहूंगा वैसा करना। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सर। वैशु, मुझे कुछ बात करनी है। क्या है? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहता हूँ। मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? तुम मेंटल हो गया हो क्या? मैं मेंटल नहीं हूँ, बल्कि तुम मेंटल हो। बेकार की हरकतें पागलपन तुमने किया है, ना कि मैंने। चुपचाप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। वैशु, वैशु, वैशु नहीं, वैशु मेरी बात सुनो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो, 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 बांधो इसे, जल्दी करो। She has got possessed. इसका मतलब क्या है सर? वैष्णवी के अंदर वैष्णवी की आत्मा नहीं है, किसी और की आत्मा है। हम समझे नहीं सर। रुको, अभी बताता हूँ। इसे कहते हैं ड्रीम एस्ट्रल प्रोजेक्शन ऑफ द सोल। दरअसल इस बारे में 2 साल पहले डॉक्टर शशि कुमार ने हमें इस बारे में बताया था। नहीं, ड्रीम स्टेट एस्ट्रल प्रोजेक्शन ऑफ द सोल मैंने ही इन्वेंट किया था, शशि कुमार ने नहीं। तुमने इन्वेंशन किया था? कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? आई एम अ डॉक्टर। सना द्विपाशना, शशि कुमार माय सीनियर। सर, हाँ हाँ, आओ आओ। हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो सक्सेस हो गया है सर। व्हाट? एक इंसान अपनी जिंदगी में जो हासिल ना कर पाया वो अपने ड्रीम में हासिल कर सकता है, ऐसा प्रोजेक्ट है सर। बचपन में हमारे बुजुर्ग हमेशा ये बात कहते थे, अगर सोने से पहले हमने वो काम नहीं किया, उसके बारे में सोच के सोए, तो हमारी बॉडी से आत्मा निकल के बाहर जाके उस काम के पीछे घूमते रहती है। सपोज करिए, अगर हम सोने से पहले हर रोज ही पानी पीना है सोच के और ना पिए और सो जाए, तो हमारी बॉडी से हमारी आत्मा बाहर आके पानी के पीछे घूमती रहेगी, पर ये बात हमें याद नहीं रहेगी। लेकिन सर, हमारी बॉडी से आत्मा बाहर आते हैं, ये बात सच है। हमारी बॉडी से वो आत्मा 2 या फिर 3 फीट दूर रहेगी, लेकिन मैंने रिसर्च किया, ऐसा नहीं है सर। इंसान अपनी आत्मा को जितना दूर चाहे भेज सकता है। सपोज करिए, हमने जिंदगी में ताजमहल को कभी नहीं देखा है, लेकिन हमारी बॉडी आत्मा को बाहर भेजकर ताजमहल को देख पाती है, उसकी सुंदरता को देख पाती है। नेचुरली वो उसकी खूबसूरती को देखकर वहाँ से आत्मा बॉडी में जाने के बाद हमने वहाँ क्या देखा, क्या क्या किया, ये सब हमें याद आने पर सपने जैसा लगता है ना सर। एक मिनट देखिए ना सर। या प्लीज। Wonderful, Dipasana. It's amazing. अगर हम इसे पूरी दुनिया को बताएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा। थैंक यू सर।
अर्जेंटली इसे पूरी दुनिया को दिखाना ही होगा। ओके सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। मैं कल इसका पूरा इंतजाम करता हूँ। लेकिन तुम इस बात को सीक्रेट रखना। ओके सर। बाय सर। बाय। हेलो। हाय जानू। हाय बेबी। कहाँ हो तुम? मैं अपने बंगले पर हूँ बेबी। अगर तुम्हें वहाँ जाना था तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। सॉरी बेबी, मुझे अर्जेंट आना पड़ा, बहुत जरूरी काम था। ओ, ऐसी बात है। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताने वाली हूँ। बोलो ना। फोन पे नहीं, कल मॉर्निंग में मिलो तब बताऊंगी। ए, प्लीज प्लीज बताओ ना, अब दो दिन तक मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज बताओ ना अभी मुझे। मॉर्निंग में आओगे ना तभी गुड न्यूज दूंगी, नहीं तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा, बस तुम्हें नहीं। ओके बाय। ओके क्या करना था और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। शरीर में एक आत्मा रहे तो दूसरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती है, लेकिन मुझे वैष्णवी की बॉडी दिखाई दी। मिशन फेल हुआ तो फिर तुमने दुनिया को यह क्यों नहीं बताया कि वो इन्वेंशन शशि कुमार ने किया है? उस दिन जब तुमने इंडियन साइंटिस्ट का नाम बताया तो उस दिन तुमने शशि कुमार का भी नाम बताया था, लेकिन तुमने दीपासना कहा तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ था। ड्रीम स्टेट एस्ट्रल प्रोजेक्शन ऑफ सोल। सना, विपासना। मैंने सोचा फ्लो में तुमने कुछ गलत कह दिया, यही सोच के मैं चुप रहा। अच्छा, ये इन्वेंशन तुमने किया है, आखिर ये दुनिया को तुमने क्यों नहीं बताया? इस बात के बारे में शशि कुमार के अलावा और किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि सुधीर को भी नहीं। ओ अच्छा, ये सुनो, मेरे साथ आओ। हाँ? ये हम कहाँ जा रहे हैं? बताएगा कहाँ जा रहे हैं? आता हूँ। हेलो सर, मैं देव बोल रहा हूँ। सर, अर्जेंट में शशि कुमार जी का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं क्या? सर, उससे हमें एक अच्छी न्यूज मिलेगी और हमारे चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके सर। मैं कम इन सर? या प्लीज कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, आप कौन? सर, हम टीवी चैनल से आए थे, आपका अपॉइंटमेंट लिया था, आपसे कुछ बात करनी थी। ओह हाँ, किस सिलसिले में? दीपासना के बारे में। दीपासना के बारे में भला तुम कैसे जानते हो? सर, हमें जानना है कि दीपासना कैसे मरी। उसने तो सुसाइड कर लिया था। उसे सुसाइड करने की आखिर क्या जरूरत थी सर? पता नहीं, आई डोंट नो, फैमिली प्रॉब्लम होगा या कोई लव प्रॉब्लम होगा। दीपासना के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? मैं कुछ भी नहीं जानता और तुम्हें क्यों बताऊं? चलो निकले जाओ यहां से। ड्रीम स्टेट एस्ट्रल प्रोजेक्शन ऑफ द सोल,
ये इन्वेंशन दीपासना ने किया था मैं जानता हूँ, लेकिन दुनिया की नजर में ये इन्वेंशन आपने किया था। लोगों से आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? इस बात के सारे सबूत मेरे पास हैं। अब चुपचाप मेरे साथ चलोगे या मैं सबूत पुलिस के हवाले कर दूं? चॉइस इज योर्स। ऐसा चीप ट्रैक मेरे साथ मत खेलना, गेट आउट। जरा सुनो, इसे डेमो देते हैं। क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा है और ये मेरा। अरे क्या करो तुम लोग, क्या करो तुम लोग? हमारे साथ चलोगे या फिर नहीं चलोगे? बताओ, जल्दी बताओ। हमारी गर्दन में चलता हूं, सब बताऊंगा। क्या जानना चाहते हो? चलो सब पता चल जाएगा, चलो। हाँ चलता हूँ। चल ए, चल चल। प्रूफ्स कहाँ है? वो तुम्हें मिल जाएंगे, पहले ये बताओ दीपासना कैसे मरी? बताया था ना उसने सुसाइड कर लिया। नहीं तो मार दूंगा तुझे। पहले दिन उसने तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में बताया और दूसरे दिन ही वो लड़की पूरी दुनिया में नाम कमाने वाली थी, पर उस लड़की ने रातों रात ही सुसाइड कर लिया। इस बात का हम भरोसा कर लेते हैं? बड़े पागल हैं क्या हम? सच बताओ वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। बताता हूँ, बताता हूँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, अपनी कोशिश जारी रखी, मैं कुछ ना कुछ हासिल करूंगा जरूर, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। मेरी स्टूडेंट ने हासिल कर लिया। एक दिन वो प्रोजेक्ट लेकर मेरे पास आई थी तो मैं सहन नहीं कर पाया, मुझे उसे जलन हो गई। कैसे भी मैं प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए उस रात मैं उसके घर पे गया। इस बात को मेरे सिवा कोई नहीं जानता था, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला? हमें कैसे पता है? सना, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? सना, मैं नहीं मारूंगी, मार डालूंगी इसे। अगर तुमने इसे मार दिया तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुमने सुसाइड नहीं किया था? सना, अगर तुमने इसे पुलिस के हवाले कर दिया तो तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन हो जाएगा। मेरी बात मानो, इसे छोड़ दो। देखो गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, वो मर जाएगा। सना मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मार डालूंगी, मार डालूंगी। सुधीर, सुधीर, देखो बचाओ। सुधीर, 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 शांत हो जाओ। सुधीर, सुधीर, हे, इसे लेके चलो। हाँ, चल 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 आराम से। सर सर, हमें जवाब चाहिए। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? ड्रीम स्टेट असल प्रोग्राम ऑफ द सोल।
की खोज मेरी स्टूडेंट उपासना ने की थी, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मैंने उसे मार दिया था। रुके रुके रुके, हमारे पास है, आप कुछ जवाब देना होगा। चलना चलना चाहिए सर, सर दिखाएंगे। वैशु वैशु इस जिंदगी में हम मिल नहीं पाए सुधीर, तुम दोनों को अलग करके मैं कोई पाप नहीं करना चाहती। मैंने सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई, मुझे माफ कर दो। जिंदा रहते मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन मरने के बाद मैंने बहुत कुछ पाया है। मैं उस दिन मर गई थी, लेकिन आज मैं प्यार की वजह से जिंदा हो गई, और आज मेरे सामने आप सब लोग जिंदा हैं। आज आप लोग को छोड़ के जाने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। मैं जा रही हूँ सुधीर। तुम लोग कर लोगे मुझे यकीन नहीं था। तुम लोग वहां से भाग जाओगे यही मैंने सोचा था, लेकिन बहुत हिम्मत करके तुम लोगों ने सच का पता लगाया, समस्याओं का सामना करके भी जीत हासिल करके लाए। बहुत बड़ी गोपनीय रहस्य को हमारे न्यूज चैनल पर पहली बार टेलीकास्ट किया जाएगा। हमारा चैनल देश का नंबर 1 चैनल बनेगा, और ये तुम सबकी वजह से होगा। अब तुम लोग परमानेंटली मेरे चैनल में काम करोगे। यस। और तुम लोगों का मैं प्रमोशन भी कर दूंगा। तुम इधर बैठो, मैं चला जाता हूँ। नहीं सर, मैं जाऊँ क्या? बैठो वैशु, बिल्ली जाओ, तुम लोग अपना काम करो। चलो एंजॉय। ताज भूतनी इस पागल को पकड़ लेती। इन लोगों ने मुझे बहुत ही पीटा, लेकिन नंबर 1 चैनल का मालिक भी बना दिया। थैंक यू माय बॉयज, आई लव यू। ए सोडा लाना, क्या कर रहा है बैठे बैठे? पियो यार, पियो ना। ए तू इसकी लाना, दे खाली तू ही पिएगी, मुझे नहीं पिएगी। हां पागल हो गई है तू। लिसन, आई वांट टू मेक अ टोस्ट। ए हम इस घर में आने के बाद हम लोगों ने एक लड़की की चाहत को पूरा किया, उसी की वजह से हम सभी लोगों की जिंदगी बदल गई। इसीलिए चाहे जो भी हो जाए, हम इस घर को जरूर खरीदेंगे। है ना? पक्का खरीदेंगे। हाँ, हम पूरा घर खरीदेंगे। सभी सबको छुटकारा दिलाएंगे। चलो वो प्रपोज करो। चलो हाँ, प्रपोज करो ना। चलो देर मत करो। मुझे तो शांति चाहिए। मैं हूँ ना, तुमसे भी करूँगा मैं। अरे पागल, शादी किससे करेगा रे? हाँ कैसे शादी करेगा? चिल वैशु चिल, ऑफिशियल अनऑफिशियल। अनऑफिशियल अभी बताती हूँ, रुक जा। अनऑफिशियल रुक जा, मैं शादी करूँगी। अरे मत बताओ, मैं ऑफिशियल हूँ। लगता है आज खत्म होगी। आज लेके आना। अबे पागल,
गीता यहाँ मेरे पीछे खड़ी है और तू वहाँ किसे देख के बुला रहा है? तुम वहाँ कौन?